अच्छे होंगे। और लास्ट क्लास के अंदर हमने यूनिट एंड डायमेंशन यानी कि विमा एवं मात्रक के अंदर हमने कुछ डायमेंशंस निकाली थी जो कि इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो लास्ट अपन ने किया था विस्कोसिटी, ठीक है। अब चलिए कुछ और एक दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज देखते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। अच्छा, इसमें क्वांटिटी आती है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं अपेक्षित घनत्व। किसी को आइडिया व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? अच्छा, डेंसिटी तो पता है सभी को, घनत्व। डेंसिटी का क्या होता है फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? केजी पर मीटर क्यूब। और डायमेंशन क्या हो गई? एम सिर्फ एल माइनस थ्री, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, सिंपल सी चीज है। अब यहां पर एक क्वांटिटी आई जिसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, हिंदी में बोलते हैं अपेक्षित गुरुत्व, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैं बात कर रहा था कि ये क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, कुछ आइडिया किसी को? देखिए, रिलेटिव डेंसिटी आरडी होता है, जो नाम से पता चल रहा है रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव का मतलब होता है किसी चीज से कंपेयर करना, यानी कि ये रेशियो की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रेशियो यानी कि अनुपात। तो आरडी यानी कि रिलेटिव डेंसिटी एक रेशियो होता है डेंसिटी का, और दूसरी डेंसिटी होती है वाटर की। किसकी होती है? पानी की या वाटर की, ठीक है। तो ऊपर डेंसिटी कोई भी हो सकती है अननोन, बट नीचे फिक्स है। किसकी होती है? वाटर की। अब ऊपर भी डेंसिटी यानी कि घनत्व, नीचे भी घनत्व। अभी तो हम सिर्फ यूनिट डायमेंशन की बात कर रहे हैं, अभी इस टॉपिक को हम नहीं पढ़ रहे हैं, बट पॉइंट मेरा ये है कि दोनों क्या है, डेंसिटी है। इसका मतलब इसका यूनिट और इसकी यूनिट कट जाएंगी, और जब यूनिट कट जाएंगी तो डायमेंशन भी वो आएगी नहीं, इसीलिए ये क्वांटिटी कैसी है? यूनिटलेस और डायमेंशन लेस। हिंदी में लिख लेना, मात्रकहीन और विमाहीन। मात्रकहीन और विमाहीन। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी ना तो यूनिट होती है ना ही डायमेंशन होती है। बट कंफ्यूज मत होना कि डेंसिटी आ गया है तो ये डेंसिटी है, बट साथ में क्या है? रिलेटिव डेंसिटी है, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब भी क्या होता है? कि जो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होती है। अब जब हम बात कर ही रहे हैं कि यूनिटलेस और डायमेंशनलेस चीजें होती हैं, तो और भी हम कुछ बात करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, ठीक है। किसी को और बताया कि कोई यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमने और कौन सी पढ़ी थी? स्ट्रेन पढ़ी थी, है ना। तो वो भी एक ऑलरेडी है, तो मैं वापस एक बार लिख देता हूं, अदरवाइज हम कर चुके हैं। ये स्ट्रेन जिसको हम बोलते हैं विकृति, तो ये भी क्वांटिटी कैसी है? डायमेंशनलेस और ना। अच्छा, अब और कुछ और क्वांटिटीज पढ़ते हैं। एक क्वांटिटी आती है जिसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो, और हिंदी में भी यही बोलते हैं पॉइजन का अनुपात। अब नाम से पता चल रहा है ना ये क्या है? रेशियो। क्या है? रेशियो। और रेशियो का मतलब होता है अनुपात, और अनुपात का मतलब होता है किसी दो क्वांटिटी को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो पॉइजन्स रेशियो हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी में, जब हम प्रत्यस्थता के बारे में पढ़ते हैं तो वहां एक रेशियो आता है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला किसी को पता है? तो ये होता है बेसिकली स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेन। अभी मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल नहीं बता रहा हूँ कि ये स्ट्रेन अलग होता है, वैसे तो ये लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। अभी हम इसे डिटेल में नहीं जाएंगे कि यहाँ पर बेसिकली दो तरीके की विकृति आती है। क्या आती है? विकृति यानी कि स्ट्रेन। अब स्ट्रेन कोई भी टाइप का हो, और नीचे भी क्या है? स्ट्रेन है। तो अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कौन सा स्ट्रेन होता है, अभी हम ये देख रहे हैं कि ऊपर भी स्ट्रेन और नीचे भी स्ट्रेन, ऊपर भी विकृति और नीचे भी विकृति। अब स्ट्रेन खुद ऑलरेडी पहला क्या है? डायमेंशनलेस है। अब दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो भी ये क्या रहेगा? तो ये एक नंबर देगा। क्या देगा? नंबर। और नंबर हमेशा कैसा होता है? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। तो एक और क्वांटिटी आप ऐड कर लेना, वो क्वांटिटी जो यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस है। इज इट क्लियर? और क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, और किसी को कुछ आइडिया आ रहा है कोई क्वांटिटी जो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है?
पूरी फिजिक्स में से कुछ भी क्वांटिटी याद आ रही है। अच्छा एक आपने कांस्टेंट सुना होगा कोफिशिएंट म्यू, म्यू कहां का सुना है? फ्रिक्शन पढ़ा है? Yes. अच्छा आपने एक म्यू देखा होगा वहां पर, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल कौन, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हिंदी में बोलते हैं घर्षण गुणांक, क्या बोलते हैं, घर्षण गुणांक, ठीक है। अब ये म्यू कहां से आता है, किसी कुछ आइडिया है? फ्रिक्शन में एफ का फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला पता है किसी को? घर्षण बल का सूत्र क्या होता है? म्यू आर, है ना, जहां पर ये म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। आर क्या होता है? आर होता है रिएक्शन फोर्स, क्या होता है? अभी अपन वैसे फोर्थ चैप्टर में पूरा पूरा पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया बल। अब ये है तो प्रतिक्रिया, बट है तो ये फोर्स ना, हमें तो उस पर ध्यान देना है कि ये है तो हमारा प्रतिक्रिया बल, और ये एफ क्या है, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि घर्षण बल। तो ये भी है तो बल ही ना, है तो फोर्स ही, हमें तो अभी इस पर ध्यान देना है कि ये दोनों है क्या, अभी वो उसका नेचर क्या है उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट ये म्यू क्या है। अच्छा कंफ्यूज यहां पर ये मत होना कि ये फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहा हूं, ये फ्रिक्शन का कोफिशियंट है, ये गुणांक है, क्या है, कोफिशियंट है। अब यहां से मुझे बताओ म्यू की वैल्यू क्या आएगी, एफ बाय आर। अब ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, अब फोर्स वैल्यू कैसा भी हो, बल कैसा भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए म्यू भी कैसा है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। देखो इस चैप्टर में मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ अच्छे से याद रखना कि क्या क्या पढ़ना है। एक तो पढ़ना है कि पेयर्स में कौन कौन से हैं, और एक पढ़ना है जो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है। अगर आपने एक टेबल में इनको याद कर लिया ना, मैं बता रहा हूँ आपका टाइम बहुत बचेगा, अदरवाइज वहां पर निकालने बैठोगे तो आपको याद नहीं आएगा कि और क्या है, ठीक है। अभी और बताता हूँ कुछ और ऐसे हैं, और सभी ने वो सुना है रे ऑप्टिक्स के अंदर मैग्निफिकेशन, आवर्धन पढ़ा है, ठीक है। तो एक होता है मैग्निफिकेशन, आवर्धन किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल m, याद आ रहा है क्या होता है मैग्निफिकेशन, जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है दोनों में कितना अंतर है, कितने गुना हमारी इमेज है ऑब्जेक्ट की। तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या एक होता है माइनस वी बाई यू, याद आया। ये क्या होता है, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, वी क्या होता है, डिस्टेंस होता है मिरर से किसका, ऑब्जेक्ट का, इमेज का, और ये होता है ऑब्जेक्ट का। तो अभी तो हमें सिर्फ डायमेंशन की बात समझनी है, तो ये भी हाइट, ये भी हाइट, ये लेंथ है यानी कि लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, माइनस साइन से कुछ मतलब नहीं पड़ता इसको, यूनिट डायमेंशन को, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ऐसे देखो तो ये सारी की सारी लेंथ है ना, लंबाई है, तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर कट गए, तो ये क्वांटिटी भी कैसी है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। एक और याद आ रही है मुझे जो हम पढ़ते हैं किसमें, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है हिंदी में बोलते हैं, लाइट, अरे उसको इंग्लिश नहीं, वो तो याद आ गया, हिंदी में उसको बोलते हैं एक तो होता है रिफ्लेक्शन, होता है परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। वहां पर याद है एक और कॉन्स्टेंट आता है, उसको भी म्यू से लिखते हैं, एन से भी लिखते हैं, कोई बता सकता है क्या आता है? अभी तो पढ़ाया था थोड़े टाइम पहले, हैं रिफ्रैक्शन कांस्टेंट, हाँ क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रैक्शन कांस्टेंट नहीं बोलते, नहीं कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद आया, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, अपरिवर्तनांक जिसको बोलते हैं। तो वो एक और हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, याद आ रहा है थोड़ा बहुत। एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद आया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक, और ये म्यू से भी डिनोट किया जाता है, एन से भी किया जाता है, याद है, अपन ऐसे लिखते थे म्यू वन टू एन वन टू, याद आ रहा है। तो ये मीडियम का होता है प्रॉपर्टी, ठीक है, चलो अभी अपन उसकी बात नहीं करेंगे, बट इसको भी म्यू से या एन से डिनोट किया जाता है। बट इसका फॉर्मूला कोई बता सकता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
मतलब ये तो है जो हमारे निर्वात में लाइट का वेग है और ये हमारा उस माध्यम में जो वेग है, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब ये है तो स्पीड और ये है स्पीड, तो स्पीड और स्पीड कट गए, तो इसीलिए ये क्वांटिटी भी कैसी है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। तो आपको मैंने कितनी सारी चीजें बता दी जो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है। अब इसमें एक ऐसी है जो कंफ्यूज करती है, थीटा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, थीटा एक ऐसी है, ठीक है, यूनिटलेस का मतलब है मात्रकहीन, और ये होता है, थोड़ी इंग्लिश सीखो मोहम्मद, ठीक है, और ये होता है विमाहीन। अगर एनडीए की तैयारी कर रहे हो थोड़ा सा इंग्लिश पे भी जोर दो, ठीक है, चलो हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये हमारी कौन कौन सी क्वांटिटीज हो गई जो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। अच्छा, थीटा पे थोड़ा ध्यान क्यों देना है, थीटा एक ऐसी क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस है बट यूनिटलेस नहीं है, यानी कि वो विमाहीन है बट मात्रकहीन क्यों नहीं, क्यों नहीं है मात्रकहीन, क्योंकि उसकी यूनिट रेडियन होती है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। यहां तक समझ में आ गया सभी को, तो ये कुछ मैंने भी आपको इंपॉर्टेंट कराए। अच्छा, एक चीज और रह गई है इसमें, एक इस टाइप की यूनिट बहुत आती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट प्रवणता। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, हिंदी में बोलते हैं वेग प्रवणता। याद करो क्या था वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा, इसमें वर्ड आ रहा है ग्रेडियंट प्रवणता, इसका क्या मतलब होता है, डिवाइड बाय एल, वेरी गुड। यानी कि अगर आप किसी भी क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड कर देंगे, लंबाई से डिवाइड कर देंगे, तो वो ग्रेडियंट कहलाता है, और ग्रेडियंट का मतलब होता है लेंथ के साथ कोई चीज घटती है जब। अच्छा, रेट का मतलब क्या होता है, रेट दर, पर टाइम. जब हम टाइम को डिवाइड करते हैं, है ना, जैसे मैं बोलता हूँ वेलोसिटी रेट, तो वेलोसिटी रेट का मतलब है वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, और अगर मैं बोल दूं वेलोसिटी ग्रेडियंट तो वो है वेलोसिटी अपॉन लेंथ, यानी कि वेग बटा लंबाई। अगर मैं बोल दूं प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता, तो प्रेशर डिवाइड बाय लेंथ। तो जिसके साथ भी ये ग्रेडियंट लगता है उसको आप डिवाइड कर दोगे लेंथ से, किससे कर दोगे, लेंथ से। अब यहां पर कोई भी चीज हो सकती है, वेलोसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, फोर्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि उस क्वांटिटी को डिवाइड किससे करना है, लेंथ से, ठीक है। तो यहां पर कुछ तीन चार क्वांटिटी आती है कई बार, तो मैं आपको एक साथ सारी लिख देता हूं। चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन लेंथ। मैंने क्या बोला था, जिसके साथ भी प्रवणता लगता है, ग्रेडियंट लगता है, उसको लंबाई के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डिवाइड। अब बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, और नीचे भी मीटर, मीटर से मीटर गया तो क्या बचा, सेकेंड इनवर्स, सही है। अच्छा, डायमेंशन क्या होगी, सही है। अब मुझे बताओ इसका जोड़ीदार कौन है, इस यूनिट और इस डायमेंशन का कौन है, बताओ, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी और, इसलिए कहो पेयर में याद रखो, जितना पेयर में करोगे याद हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी और किसके साथ में जोड़ी थी, एंगुलर वेलोसिटी, याद आया, ओमेगा, ओमेगा की भी डायमेंशन क्या होती है, टी माइनस वन, याद आया, तो ये उसका जोड़ीदार बन गया। तो यानी कि हमारा एक तो था एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं कोणीय वेग, और एक नॉर्मल आवर्ती, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये सब एक ही जोड़ी में आते हैं जब हम बात करते हैं किसकी, डायमेंशन की, समझ में आ गया। तो ये एक और हमारा उसमें जोड़ीदार बन गया, तो ऐसे आप जोड़ी बना के याद करना तो आपको बहुत इजी रहेगा, समझ में आ गया सभी को। अच्छा, अब बाकी चीजें आप खुद कर लेना, मुझे बताओ प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट, यस, यानी कि दाब प्रवणता, है ना। फिर एक आता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी कि ताप प्रवणता, और एक आता है फोर्स ग्रेडियंट, ऐसे बहुत सारे आएंगे, बट अभी मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि जिसके साथ भी प्रवणता लगता है उसको डिवाइड किससे करना है, लेंथ से। तो आप सबका निकाल सकते हो, प्रेशर ग्रेडियंट में क्या करोगे, प्रेशर बटा लेंथ यानी कि लंबाई, टेम्परेचर ग्रेडियंट में टेम्परेचर अपॉन लेंथ, फोर्स ग्रेडियंट में फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है।
अब इसमें भी एक ऐसी क्वांटिटी आती है जो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस बन सकती है। आप मुझे बताओ, अगर ऑलरेडी नीचे लेंथ आ रहा है तो ऊपर मैं ऐसा क्या लेके आऊं कि यूनिटलेस और डायमेंशनलेस बन जाए? डिस्टेंस, और वो होता है डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट। तो एक क्वेश्चन ये आया हुआ है एनडीए के अंदर, आपको चार यूनिट दे दी, बोल दिया गया कि इसमें से कौन सी यूनिटलेस या डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो सारे ग्रेडियंट ऑप्शन थे, क्या थे? ग्रेडियंट वाले। तो आपको भी ये देखना होगा कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारा क्या है, यूनिटलेस या डायमेंशनलेस है। विमाहीन और मात्रकहीन कोई नहीं है। बट अगर मैं आपको ये वाला बोल दूं, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, अब बताओ हिंदी में क्या हो जाएगा? विस्थापन प्रवणता। तो इसका क्या बन जाएगा? तो ये हमारा यूनिटलेस और विमाहीन और मात्रकहीन बन गया। समझ में आता है क्यों बना? क्योंकि ऊपर क्या है? विस्थापन। विस्थापन की यूनिट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? एल। और नीचे ऑलरेडी एल है, एल से एल कट गया, तो क्या बन गया? यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। तो यूनिट और डायमेंशनलेस में एक और क्वांटिटी आ गई जो कैसी है, ये है। समझ में आ गया सभी को? चलिए अब थोड़ा सा एक दो हीट वाले भी कर लेते हैं। हीट वाले मैंने इसमें करवाए नहीं है, तो हीट वाले भी एक दो देख लेते हैं, ठीक है? आगे चले, चलो थोड़े बहुत हीट के देख लेते हैं। हीट में सबसे पहला आता है स्पेसिफिक हीट, जिसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। अच्छा, विशिष्ट ऊष्मा जाने से पहले हीट के बारे में बताओ मुझे, हीट क्या है? एनर्जी। हीट की यूनिट और डायमेंशन क्या होगी बताओ? एनर्जी। बिल्कुल। तो ध्यान रखना है, हीट किसकी जोड़ीदार है, किसका पेयर में आता है? वर्क, एनर्जी, टॉर्क, बल आघूर्ण, है ना? ये सब क्या है? एक जोड़ी में है। तो आपको याद हो जानी चाहिए कि इसकी विमा क्या होगी, एम एल टू टी माइनस टू। किस में नापते हैं? जूल में और कैलरी में। ज्यादातर हीट को हम कैलरी में भी नापते हैं, जूल में भी नापते हैं। बात समझ में आ गई है? तो अभी यहां से ये मत कंफ्यूज होना कि सर ये तो ऊष्मा है, ये तो हीट है, तो क्या ये भी जूल में होगी? नहीं, ये विशिष्ट ऊष्मा है, ये स्पेसिफिक हीट है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है कि Q बराबर एम एस डेल टी, ये फॉर्मूला होता है, जहां पर स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा S से लिखी जाती है। तो बताओ S क्या हो जाएगा? Q बाय एम डेल टी। अब बताओ Q किसमें मेजर करते हैं? जूल में, मास द्रव्यमान केजी में, तापमान का अंतर, ये डेल्टा टी का मतलब होता है टेम्परेचर का डिफरेंस, और टेम्परेचर का डिफरेंस किसमें नापते हैं? केल्विन में। ये सारी ऐसा यूनिट हो गई। अब बताओ इसकी क्या होगी डायमेंशन, विमा बताओ, चलो निकालो। जूल की क्या है? एम से एम कट गया, तो एल टू वैसा का वैसे, टी माइनस टू वैसा का वैसे, और के बन गया। तो ये इसकी क्या हो गई? डायमेंशन हो गई, विमा हो गई, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, ठीक है? वैसे तो अभी सारे फॉर्मूले हम याद नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल हमें जो आता है हम उसका भी करेंगे, ठीक है? अच्छा, एक और हीट होती है जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट। दो तरीके की हीट पढ़ते हैं हम, एक वो हीट होती है जो स्पेसिफिक हीट होती है, जो टेम्परेचर के डिफरेंस से आती है, और एक लेटेंट हीट होती है, इसको गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। और गुप्त ऊष्मा तब आती है जब आपका स्टेट चेंज होता है, अवस्था चेंज होती है, है ना? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो एक वो वाली हीट भी देख लेते हैं, ये वाली कौन सी होती है? लेटेंट हीट, हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। अच्छा, गुप्त ऊष्मा बताओ, इसको L से लिखा जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू एम एल। क्या होता है? Q इक्वल्स टू एम एल। तो यहां से L का निकाल लेते हैं लेटेंट हीट, तो ये हो जाएगा Q बाय एम। ये तो सिंपल है, इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर, ये केजी है, और विमा क्या हो जाएगी बताओ? एल टू टी माइनस टू, ठीक है? ये होता है हमारा गुप्त ऊष्मा, यानी कि लेटेंट हीट। क्लियर है सभी को? अच्छा, एक गैस कांस्टेंट किसी ने सुना है? गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक, वो बताओ, उसका कोई बता सकता है? गैस कांस्टेंट किस फॉर्मूले से निकालोगे, किसी को पता है? हीट का मात्रक क्या है? हीट का मात्रक जूल है, ठीक है? हीट का मात्रक जूल है, जूल। चले आगे, चलो किसी को याद आया कुछ?
गैस कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? गैस कांस्टेंट लिखा जाता है कैपिटल आर से, हिंदी में बोलते हैं गैस नियतांक। यस गुड, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस की समीकरण, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, याद आया? पता है ना सबको आदर्श गैस की समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन, पी क्या होता है? प्रेशर। ये एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या। आर गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक, टी हमारा टेम्परेचर। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ गई? पीवी अपॉन एन टी। चलो लिख दो इसकी डायमेंशन और यूनिट बताओ, चलो करो। सर पर आर तो फिक्स होता है ना? क्या आर तो फिक्स होता है? क्या फिक्स होता है? आर। हाँ वैल्यू तो फिक्स होती है, 8.13। पर यूनिट तो होती है ना इसकी। चलो बताओ क्या होगी यूनिट? प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। अभी पास्कल में कर देते हैं, आप और भी खोल सकते हो। तो ये हो गया पास्कल, साथ में क्या है? वॉल्यूम है या वेलोसिटी है? वॉल्यूम है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब, पास्कल इनटू मीटर क्यूब। एन क्या है? मोल। और मोल एक फंडामेंटल है, मूल राशि है, बताया था ना, साथ में से एक होती है, तो मोल। और ये हमारा केल्विन, तो बन गया पास्कल मीटर क्यूब अपॉन मोल केल्विन। आप चाहो तो और भी खोल सकते हो, कैसे? पास्कल को और क्या लिख सकते हैं? न्यूटन बट अपॉन मीटर स्क्वायर। तो एक न्यूटन में भी लिख देते हैं, तो अगर मैं न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर करूंगा तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया, तो ये सिर्फ बचेगा न्यूटन मीटर, और वैसा का वैसा रहेगा मोल केल्विन। तो ये भी इसका मात्रक है, क्लियर है? अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.134, ठीक है? गैस कांस्टेंट है तो फिक्स होता है, बट उसकी यूनिट होती है। चलो इसकी विमा बताओ, डायमेंशन बताओ। देखो न्यूटन की क्या होती है? एम एल टी माइनस टू, ठीक है? साथ में क्या है? एक और m है, m यहाँ पर क्या है? मीटर, तो ये l2 हो गया, सही है ना? सही तो है, नहीं है? अच्छा उसके नीचे तो था, हाँ सही है सर। नहीं मैं इसको ले रहा हूँ, आप चाहो इसको ले, एक ही बात। तो वो हो गया एम एल टू टी, एम एल टी माइनस टू, एक l था तो l इधर आ गया, तो ये नीचे आ जाएगा मोल, और ये सब ऊपर ही जाएगा वैसे। तो ये क्या बन गया? मोल, सॉरी एम एल टू टी माइनस टू, आगे मोल इनवर्स के इनवर्स और के इनवर्स। अच्छा एक चीज नोट कर रहे हो, यहाँ पर ये एम एल टू टी माइनस टू आ रहा है, ये किसकी यूनिट होती है? जूल, जूल नहीं, ये जूल है ना, वर्क की जूल मतलब। हाँ वही, तो एक और यूनिट इसी क्या बन रही है, देखो जूल अपॉन अनदर इंपॉर्टेंट सिंपल। तो मैंने देख लिया यहाँ पर कि ML to T minus 2 किसकी होती है? कार्य की होती है, बल की होती है, सॉरी इसकी वर्क की होती है, यानी कि एनर्जी की होती है, तो ये एनर्जी है, एनर्जी जूल में भी नापते हैं, तो ये भी एक अच्छी यूनिट बनती है, जूल अपॉन मोल केल्विन, ठीक है? तो ये सारी की सारी हमारी किससे रिलेटेड हो गई? गैस कॉन्स्टेंट से हो गई, ठीक है? आई थिंक इट्स इनफ नाउ। अब अपन सीधा चलेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट आता है, जिसमें अगर इन केस अगर कोई सॉल्यूशन मतलब ऐसा न्यूमेरिकल टाइप आए, न्यूमेरिकल तो होते नहीं इसमें, बट यूनिट निकालना, डायमेंशन निकालना पूछ सकते हैं किसी इक्वेशन के माध्यम से, तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? चले आगे। अब एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना है कि एक रूल होता है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में क्या रूल होता है कि डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डायमेंशन का एनालिसिस जो होता है वो ये प्रूव करता है कि यह फॉर्मूला सही है कि गलत है। मैं आपको जस्ट एक आइडिया देता हूं, आप सभी ने मोशन की पहली इक्वेशन देखी है, v equals to u plus at। Second क्या होता है? ut plus half at square। अब आपने कभी सोचा होगा कि ये equation सही है गलत है, ये कैसे पता चला, क्यों ये equation बनी? तो physics में simple सा rule है, अगर कोई equation बनी है तो वो dimensionally correct है, मतलब विमा के उसमें reference में वो correct होनी चाहिए। Correct होने का मतलब क्या है कि जहां पर भी equals to आता है, सुनना मेरी बात, जहां पर भी इक्वल्स टू आता है इसका मतलब इधर की डायमेंशन और इधर की ओवरऑल डायमेंशन सेम होनी चाहिए। बात वापस सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, फिजिक्स के अंदर अगर कहीं पर भी इक्वल्स टू आपको दिखता है इसका क्या मतलब होता है, अगर वो इक्वेशन सही है, और जो पढ़ेंगे इक्वेशन सही होगी, इसका मतलब वो डायमेंशनली सही है, इसका मतलब इधर की डायमेंशन और उधर की डायमेंशन क्या है, इक्वल है। अब दो चीजें ध्यान में रखनी है कि यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं इक्वल की, तो एक की बात नहीं कर रहा हूं पूरे की। तो ये जो प्लस हो गया माइनस हो गया ये हमें क्या बताते हैं? अब एक और चीज यहां से समझ में आती है कि फिजिक्स में वही क्वांटिटी जुड़ती है, वही क्वांटिटी घटती है जिनकी डायमेंशन सेम होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक
क्वांटिटी में सिर्फ मतलब एक जगह पर एक ही क्वांटिटी आ रही नहीं, बट इनकी डायमेंशन कह रहा हूं मैं, किसकी, यूटी की, और इसकी डायमेंशन कह रहा हूं एटी स्क्वायर की, इनकी डायमेंशन क्या होंगी, बराबर होगी। मतलब फिजिक्स के अंदर जहां पर भी प्लस माइनस लगा है इसका मतलब वो सेम डायमेंशनों को जोड़ा है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? भली वो क्वांटिटी दो अलग अलग हो सकती है बट उनकी जब डायमेंशन निकालोगे तो वो डायमेंशन में क्या होती है, सेम। तो यहां से अभी हमने क्या सीखने को मिला, दो चीजें समझना। पहली चीज तो ये है कि पूरे फिजिक्स में कहीं पर भी किसी भी इक्वेशन में अगर प्लस या माइनस है इसका मतलब उन दोनों की डायमेंशन बराबर है, पहली चीज, ठीक है। अब इक्वल्स टू का क्या रोल है, जैसे मैं आपको इक्वेशन लिखता हूं ए इक्वल्स टू बी प्लस सी, अब इसका क्या मतलब है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, सही है। इसका मतलब इन सब की डायमेंशन कैसी है, बराबर है, जीरो नहीं बराबर है, डायमेंशन की बात कर रहा हूं मैं यहां, मैं उससे कुछ नहीं कह रहा हूं कि वैल्यू क्या है, वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं एबीसी कितनी है, मैं बात सिर्फ यहां किसकी कर रहा हूं, डायमेंशन की, विमा की, यानी कि ए की डायमेंशन बी के बराबर और बी की डायमेंशन सी के बराबर है। ये मैंने कैसे बोला कि फिजिक्स में जहां पर भी प्लस माइनस लगता है जोड़ते या घटाते हैं हम क्वांटिटी को, उन क्वांटिटी की डायमेंशन और विमा कैसी होती है, सेम होती है। अब मैं ये आपको प्रूफ करता हूं। अभी मैंने पहली इक्वेशन लिखी थी v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, अब ये इक्वेशन सही है कि नहीं सही है वो तब पता चलेगा कि सबकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो एज पर माई रूल इसकी डायमेंशन इसके बराबर, इसकी डायमेंशन इसके बराबर, पूरे के बराबर है ना, ऐसा नहीं है कि बीच में ए अलग कर दो टी अलग कर दो, पूरी क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, और इसकी डायमेंशन इसके बराबर, सारे एक दूसरे के डायमेंशन में बराबर है। अब चाहो तो चेक कर लो, v क्या होता है, स्पीड वेलोसिटी, डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन, तो इसकी डायमेंशन इसके बराबर आ रही ना, देखो हो गया, इसकी डायमेंशन इसके बराबर भी है, यानी कि u की डायमेंशन किसके बराबर है, एटी के, ए के नहीं एटी के, तो u की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन, ए की क्या होती है, सही है ना। तो ये क्या बन गया, देखो बराबर हो गई, बराबर होगी ना। तो जहां जहां प्लस या माइनस आता है इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी की डायमेंशन उस क्वांटिटी के बराबर है। अब आप बोलोगे सर मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड का क्या रोल है, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड आप नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही करना। जैसे अगर मैं एक को मल्टीप्लाई कर रहा हूं टी से तो बस आप दोनों को खोल के डायमेंशन निकाल दो पूरी, बट जहां प्लस माइनस आ गया वहां पर क्या करना है, इसकी डायमेंशन को उसकी डायमेंशन के बराबर रखना है। अब मेरा मेन जो पॉइंट यहां से ये आता है कि ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, सर आप सीधा क्वेश्चन बताओ, तो मैं सीधा आपको क्वेश्चन ही बताऊंगा, ज्यादा अपन इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है, इसको करूं आगे, ओके। अब सीधा क्वेश्चन पे आता हूं मैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी इक्वल्स टू एक इक्वेशन दी हुई है ए बाई टी प्लस बी टी स्क्वायर। पहली चीज तो इसमें एक ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस में अपने मन से कोई चीज मत लेना, जैसे कि मैं तो जानता हूं कि P यहां पर प्रेशर होता है, हमने पढ़ा है, बट ये जरूरी नहीं है, उस क्वेश्चन में हो सकता है वो P फोर्स को कह रहा हो, तो कुछ भी अपने हिसाब से मत सोचना कि ये क्वांटिटी वो होगी, जब तक उस क्वेश्चन में वो बोलेगा नहीं कि ये P यहां पर ये है T यहां पर ये है, तब तक आप उसको अपने मर्जी से मत करना, उसको देख के ही करना। इसलिए इस क्वेश्चन में अब यही चीज गलती करी है, हम इसको क्या मान लेते हैं प्रेशर, बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सुनना, एक इक्वेशन दे दिया आपको यहां पर ये, जहां पर P क्या है, P फोर्स है, क्या है, अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे फोर्स हो गया ये, बट है अब क्वेश्चन है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, तो उस P को यहां पर ये फोर्स मान रहा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। और क्या क्या दिया हुआ है यहां पर, T यहां पर टाइम है, चलो T तो हमारा अंदाजा सही था, टाइम होगा समय। अब क्वेश्चन क्या पूछा है ये देखो, क्वेश्चन पूछा है तो A और B की डायमेंशन बताओ, A और B की डायमेंशन बतानी है, क्या बतानी है, डायमेंशन यानी कि विमा। तो मैंने अभी आपको जो रूल बताया उसी की हेल्प लेते हैं। अच्छा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इस समीकरण के हिसाब से क्या बोला था मैंने आपको, इसकी डायमेंशन इसके बराबर, इसकी डायमेंशन इसके बराबर, और इसकी डायमेंशन इसके बराबर, ठीक है। अब अगर मैं पहले ही केस में इन दोनों को बराबर करके सॉल्व करूंगा तो आंसर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ए और बी दोनों नहीं मुझे पता, तो थोड़ा बहुत आपको अपना दिमाग लगा के देखना पड़ेगा किसको मैं किससे कंपेयर करूं जल्दी आंसर निकल जाए। अब देखो इसको मैं इससे कंपेयर करता हूं, P क्या है, फोर्स की डायमेंशन मुझे पता है, ML T minus 2 हो गया,
एटी की डायमेंशन बताओ, एटी हमें निकालना है। अच्छा टी यहां पर टाइम है, ये तो मुझे पता नहीं है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू कर दिया ना मैंने, फोर्स की डायमेंशन इज एटी के बराबर कर दी, अब बस सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एम एल टी माइनस वन आ गया ना, और बी की अब बी बताओ कैसे आएगा, एम एल टी माइनस फोर। अब चाहो तो तुम ए को यहां रख के इसके बराबर कर दो या इसको इसके बराबर कर दो, आंसर वही रहने वाला है, ये मत सोचना कि गलत आएगा। अब बताओ क्या आएगा, बी टी स्क्वायर किसके बराबर रख देते हैं, पी के, मैं ये नहीं कह रहा क्वांटिटी सेम है बट डायमेंशनली सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, बी वैसा का वैसा रहेगा, ये हो जाएगा टी टू, पी क्या हो जाएगा, हो गया ये इसके नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा तो फिर माइनस का, तो ये हो गया एम एल टी माइनस फोर। क्या मुश्किल था, समझ में आया मेरा लॉजिक क्या, समझ yes. तो जहां प्लस माइनस ऑपरेशन लगता है उसका मतलब इधर की क्वांटिटी की डायमेंशन इस क्वांटिटी के बराबर है, ठीक है क्लियर है, और जहां मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है वहां नॉर्मल आप सॉल्व करो उसको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो उतारना है क्या, आगे चले और क्वेश्चन देखते हैं, चलो एक क्वेश्चन देता हूं आप खुद से ट्राई करना, ठीक है आगे चलो। चलो एक हमारा ये वार्म अप हो गया, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं इसको ट्राई करना, ये खुद करना आप, ठीक है। एक दिया हुआ है v इक्वल्स टू at प्लस b अपॉन t प्लस c, एक इक्वेशन दी गई है v इक्वल्स टू at प्लस b अपॉन t प्लस c। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ v क्या है, अपनी मर्जी से नहीं लेंगे, तो v यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है वेलोसिटी यानी कि वेग, t यहाँ पर है टाइम यानी कि समय, तो आपको बताना है a b और c की डायमेंशन। ऑप्शंस में दे देता हूं एल टू टी एल टी माइनस टू, ऑप्शन बी एल टी टू एल टी कॉमा एल, ऑप्शन सी एल टी माइनस टू एल टी, ऑप्शन नंबर डी एल एल टी टी माइनस टू। एबीसी के रेफरेंस में बताना, ठीक है, मतलब पहले ए फिर बी फिर सी। चलो सी, ओके सी आ गया है एक जने का, और कोई सी, ओके सब आंसर देंगे, कम जने हैं तो सबसे पूछूंगा। हाँ ए सी, सी पे तीन जने, हाँ आपका सी, सी हाँ जी आपका लास्ट कर रहे हो, मान क्या लू मैं, क्या बटे क्या वहां पे मान लो, ये सब्जी का नाम समझ में नहीं आया तो क्या ये सेब है, मान लो सेब है, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने जो भी बताया तेरे को उससे बाहर कुछ नहीं पूछा है, तू अंदाजा क्यों लगा रहा है, कर अंदाजा तब लगाते जब आता नहीं है, मैंने तो कराया अभी जस्ट पता है। अच्छा एक आप जहां आपको ऑपरेशन दिख रहे हैं, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस दिख रहे हैं, पहले उस पर ध्यान दो, आप पहले ये मत कंफ्यूज हो कि नीचे भी लिखा हुआ है टी प्लस सी ये क्या हो गया, तो उसको मत कंफ्यूज हो, जहां पर प्लस लगा हुआ है इसका मतलब वो दोनों सेम डायमेंशन जुड़ी है। अब यहां पर आप पहले इसको देखो क्या है, प्लस आ रहा है, इसका मतलब टी की डायमेंशन और सी की डायमेंशन बराबर है, और टी तो ऑलरेडी टी है, तो एक चीज तो क्लियर है सी क्या है, टी है, और सी वैसे एक में ही आ रहा है, मतलब टी एक में ही आ रहा है, तो पहले ही हमारा आंसर मिल गया, ये आगे मैंने किया ही नहीं, बट अगर इन केस थोड़ा सा वो होशियार है तो वो टी हर में दे देंगे, ठीक है। अब चलो और आगे समझते हैं, अब ये भी मुझे पता है कि AT की डायमेंशन किसके बराबर है, v, v, v के, और v क्या है, MLT माइनस सॉरी LT माइनस वन, ठीक है, और यहां पर क्या हो गया A इंटू T, ये T नीचे गया ऊपर गया तो क्या आया LT माइनस टू आ गया ना, LT माइनस टू क्लियर है। लास्ट बचता है हमारा B, अब B कैसे निकालेंगे, अब देखो नीचे जब दो चीजें आप जोड़ रहे हो, इसकी भी डायमेंशन T है और इसकी भी डायमेंशन टी, ये कितना हो गया 2t हो गया, तो 2 क्या डायमेंशन में कुछ रोल प्ले करता है क्या, नंबर है ना संख्या है, भूल जाओ उसको, तो v किसके बराबर हो गया b बाय, तो b किसके बराबर हो गया vt के, और v क्या है mt1, और t माइनस वन ये प्लस वन कट जाएगा तो आंसर सिर्फ आ जाएगा l। अब समझ में आ गया सभी को, चलो एक क्वेश्चन देता हूं घर के लिए ट्राई करना इसको, इसको रब कर दूं।
अभी है नहीं, चलो बाकी फिर कल ही करेंगे, इसमें भी है नहीं, बाकी आप खुद से बना के घर भी सकते हो, ठीक है। चलो कोई निकल करते हैं, ठीक है। चलो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं, सभी अपना ध्यान रखना, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।